तो गाइस आज हम लोग लगे हैं 3 लोग, तो काम आज ठीक ठाक चल रहा है हमारा। धूप फिलहाल निकली नहीं है, देख सकते हो बादल हैं बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों टाइम हो गया 8 बजे, हम लोग शो के उठ गए, नाश्ता पानी कर लिया, खाना खा लिया। दोस्तों खेत में चलना होगा, डेली रूटीन में वही काम होगा। और आज मौसम हमारे यहाँ पे ठीक ठाक है दोस्तों, बादल है, धूप तो निकली नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ठंड भी है। और चल रहे हैं दोस्तों अपने एक दूर वाले प्लॉट में, और आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो धूप तो है नहीं, बहुत ज़्यादा बादल है दोस्तों। अभी हम चल रहे हैं अपने जूनियर प्लॉट में, आपको सामने दिखाते हैं। हम चलेंगे दोस्तों अभी वहाँ पर, सामने हमारी वहाँ पे है जूनियर प्लॉट। तो गाइस कल हम लोगों ने इन खड़ियों की भराई की थी, ये हमारी कद्दू की फसल है दोस्तों, अभी हमने कवर कर दी है। ये वाली जो मट्टी हमने जड़ों में लगा दी थी दोस्तों, फिलहाल अभी क्या करेंगे, कुछ काम यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है दोस्तों। तो कुछ खड़ियाँ थी उनकी, अभी हम जो पन्नी है ना वो हटाएंगे, जैसे धूप निकलने वाली है, अभी बादल भी हैं बहुत ज़्यादा, तो वो साइड में कर देंगे। फिर जो काम पड़ा है वो उसकी भराई मारेंगे दोस्तों आज। कुछ खड़ियाँ ज़्यादा तो है नहीं, 10-12 होंगी, पता नहीं है, उससे कम है। चलो अभी आपको दिखाते हैं चल के वहीं पर। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वाले कद्दू की पिच्छू देख सकते हो दोस्तों, ये इसकी हम पन्नी हटा रहे हैं, और जैसे ये सब हटा देंगे उसके बाद में कुछ टाइम के बाद आएंगे दोस्तों, उसकी भराई मारेंगे। जैसे हम लोगों ने कल मारी थी, आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो अभी सभी खाड़ियों को इस साइड देख सकते हो, इन सभी खाड़ियों के हम लोग हटाएंगे पन्नी। चलो आप ब्लॉग में बने रहना। फिलहाल मैंने अभी 3 खाड़ियों की पन्नी हटा दी है, और अभी इस वाली खाड़ी में देखो कितने ज़्यादा नुकसान है दोस्तों। फिलहाल पाले से बहुत ज़्यादा नुकसान है, और थोड़ा इसका जो कलर था वो भी पीला पड़ गया है पौधों का। और ये कद्दू की फसल है दोस्तों, ये हमारी अगेती फसल है, और जगह जगह पाले ने कितना ज़्यादा नुकसान किया, देखो सारे पत्ते जल गए ना। तो ये जो हाइट की वजह से जो पाले में, जैसे ये जो पन्नी है ना दोस्तों, इसके अंदर जो पौधे लग रहे थे ना, तो जैसे पाला पड़ा है ना, तो वो सारे पौधे पत्ते हैं इनके जल गए। तो अभी फ़िलहाल कुछ खाड़ियाँ और हैं इनकी हटा लेते हैं, बस आप ब्लॉग में बने रहना दोस्तों, आज का ही ब्लॉग बहुत अच्छा होगा। तो फाइनली गाइस मैंने सभी खाड़ियों की पन्नी हटा दी, मैं वहाँ से लगा था, और 10-12 खाड़ियाँ थी दोस्तों, सभी की पन्नी मैंने हटा दी। और कुछ देर में आएंगे दोस्तों, अभी कशी लेके आएंगे और इनकी जो भराई करेंगे, जैसे आपने कल वाले ब्लॉग में देखा था ना, वैसे ही करेंगे इन सभी की, देख सकते हो। तो फिलहाल सामने है मेरे कनक दोस्तों, और धूप है नहीं, बादल हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो कनक है ना दोस्तों, ये है हमारे पड़ोसियों की, और सामने लगी हुई सरसों। शाम आज मतलब बादल है ना, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है ना। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं दोस्तों, फिलहाल बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। रियली दोस्तों घर पे फिर आएंगे कसी से लेके, और जो काम अभी हमने पन्नी डाई इनमें करेंगे भराई, तो घर पे चलते हैं दोस्तों। आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मली सारे ठंड तो है नहीं दोस्तों, और धूप कभी आ रही है जा रही है। और इस साइड आप देख सकते हो ये हमारे पड़ोसियों की खेती है दोस्तों, घर पर चलेंगे फोड़ ले के आएंगे। तो मैं भी थोड़ा जल्दी आ गया था दोस्तों। इस साइड है करेला दोस्तों, ये भी हमारे पड़ोसियों का है, तो आज ये भी काम करेंगे। गाइस हम लोग ले आए कसी घर से, पीछे आप देख सकते हो हमारे घर है, तो कसी लेके चल रहे हैं दोस्तों। अभी जहाँ हमने पन्नी खोली थी उनकी करेंगे भराई, और फिर फ्राई करके दोस्तों हम चलेंगे अपने जूनी वाले प्लॉट में, जो कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो वहाँ पे चलेंगे आज। वहाँ पे भी हमने पन्नी खोली है, तो अभी यही काम जो 10-12 खाड़ियाँ इनको कंप्लीट करके फिर वहाँ पे चलेंगे दोस्तों। तो गाइस आज हम लोग लगे हैं 3 लोग, तो काम आज ठीक ठाक चल रहा है हमारा। धूप फिलहाल निकली नहीं है, देख सकते हो बादल हैं बहुत ज़्यादा। एक को भाई लगाए, एक ये लगाए, और साथ में मैं हूँ। तो वहाँ से लगे थे हम लोग, तो लगभग 4 से 5 खाड़ियों की भराई कर दी हमने, और सामने लगे हमारे पड़ोसी। तो आज व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आज धूप तो है नहीं, फिलहाल बादल हैं थोड़े थोड़े। तो फाइनली गाइस जो हमारा काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, वहाँ से लगे थे हम लोग, और ये मेरी लास्ट खाड़ी थी देख सकते हैं, वो सामने हमारा भैया लगा। तो अभी चलेंगे दोस्तों हम अपने जुगनी वाले प्लॉट में, वहाँ करेंगे काम चल के, बस आप ब्लॉग में बने रहना। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा हुआ, धूप निकली नहीं है, बादल हैं अभी बहुत ज़्यादा, चलते हैं अभी वहाँ।
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जुगनी वाले प्लॉट में, पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड में वहाँ पे। तो गाइस ये है चप्पन टिंडा और वो सामने है जुगनी पेठा जहाँ पे वो भाई लगा है। तो हम लोग यहाँ से लगे हैं दोस्तों, लास्ट वो वहाँ तक जा रहे हैं हमें, जहाँ पे वो पौधा खड़ा है ना दोस्तों, लास्ट वहाँ तक इसकी भराई करनी है। फिलहाल जहाँ तक ये खुली है वहाँ तक कर देंगे, उसके बाद में कल मॉर्निंग में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पर लगे हैं, तो लगभग चप्पन टिंडा भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा लगभग 10 से 15 दिनों में, और जुगनी भी थोड़ा छोटा मोटा फल आने लगा है। वैसे यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, फूल आ रहे हैं छोटे छोटे, तो लगभग 10-12 दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल आज बादल है, दिखाई नहीं दे रहा धूप भी। तो गाइस फिलहाल हो गया, टाइम हो गया, बज गए हैं 12:30 और हमारा हो गया लंच टाइम। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों काम, तो अभी चलते हैं घर पे, खाना वाना खाएँगे फिर आएंगे लंच करने के बाद में दोस्तों। तो फिलहाल इस साइड चल रहा था काम, ये हमारी जुगनी का प्लॉट था, इसकी भराई मार रहे हैं दोस्तों। और आज मौसम दोस्तों हमारे यहाँ पे धूप तो निकली ली है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, ठंड तो वैसे नॉर्मल सी है। तो अभी खाना वाना खा के फिर आएंगे और सामने का भी वो आपको दिखा देते हैं। सामने हमारे भैया जो सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, कि भूख बहुत तेज़ लगी थी। पहले हम लोग कर रहे थे उस साइड में काम, तो फिलहाल एक बंदा वो सामने दिखता होगा आपको, तो अभी आएंगे खाना खाने के बाद में फिर करेंगे आके सिक्की भराई दोस्तों। तो गाइस फिलहाल हम लोग खाना वाना खा के आ गए थे और उस साइड से लगे थे दोस्तों मॉर्निंग में, सॉरी मॉर्निंग में लगभग 10-11 बजे वहाँ से लगे थे। तो लगभग अभी हमने इतनी भराई कर दी है। मैं कर रहा हूँ चप्पन टिंडे में दोस्तों, और उस साइड है हमारी चुगनी की खेती, और उस साइड लगा हमारा भैया, दो वो लोग लगे और मैं, हम लोग तीन लोग लगे हैं, तो काम ठीक ठाक चल रहा है। फिलहाल अभी जल्दी जल्दी बल्ले, आज सुबह से धूप नहीं निकली दोस्तों, बादल हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। फिलहाल बस कर रहे हैं अभी काम, तो अभी लगभग 7-8 खाड़ियाँ और रही हैं, उस करके फिर चलेंगे घर पे। मान जा छोटू मान जा। तो भाई फिलहाल हमारी रह गई है खाड़ी, और इस साइड का बच्चा है मॉर्निंग में करेंगे आके, ये पन्नी आज हमने खोली नहीं थी, जहाँ तक खोली थी दोस्तों सभी की कर दी हमने भराई। फिलहाल ये एक लास्ट खाड़ी बची है, ये एक मेरे हिस्से में बची है, इसको करके फिर चलेंगे दोस्तों घर पे। तो कल आएंगे फिर यहाँ पे होगा कुछ, और कुछ करेंगे दोस्तों उस शेड में कद्दू वाली फसल का। आज बादल भयंकर है हमारे यहाँ पे। तो फिलहाल अभी इसको ढाँक रहे हैं दोस्तों और इनको कवर कर देंगे सभी, इनको कवर करके फिर चलेंगे घर पर। हवा भी चल गई भाई, मट्टी लगा देना आगे से। कंप्लीट हमारा, देख सकते हो फिलहाल सभी की सब्जी हमने भराई, और उस साइड गाइस तैयारी हो रही है तार लगाने की। जैसे ये कवर है ना, सेम वैसे ही कवर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि रात को सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और पाला पड़ गया था दोस्तों, नुकसान भी हो सकता है। तो अभी भैया लगा है वो तार उड़ सीधे कर रहे हैं, जैसे वो तार लगे ना तो उनको अभी सीधा करके ये सारी कवर कर देंगे, जैसे देख सकते हैं सामने वो कर रहा है भैया। तो सेम ऐसे ही कवर करके फिर चलेंगे गाइस घर पे। तो आज मौसम भाई साहब हमारे यहाँ तो धूप तो निकली नहीं है, फुल बादल हैं, सामने का व्यू देख सकते हो बहुत ज़्यादा बादल हैं। धूप का गाइस नाम और निशान नहीं था, ठंड बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आज जैकेट भी नहीं उतारा और ऐसे ही ले गए थे सुबह से, खाना खा के आ गए थे। तो फिलहाल अभी वीडियो करते हैं यहीं पर पहुँच, फिर करते हैं कवर। तो फिलहाल गाइस हम लोगों ने सारी पन्नी कवर कर दी है, पीछे आप देख सकते हो। तो अभी गाइस घर पे चलेंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, चाय वगैरह पियेंगे, टाइम हो गया 4:30 बज गए हैं। और अगर आप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर कल मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, शू।